हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइस, सबसे पहले सभी को हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और धन लक्ष्मी आपके घर में आवे, खूब समृद्धि रहे। तो गाइस, यहां जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पूजा कर रही हूँ और भगवान के आगे साफ सफाई कर रही हूँ, मेरी पूजा चल रही है गाइस। तो गाइस, अभी बच्चे सो रहे हैं, तो आज धनतेरस की शॉपिंग के लिए मुझे निकलना है। तो शाम को बच्चों के लिए कपड़े भी लेने हैं दिवाली के लिए। बिट्टू बहुत दिन से आफत करे थी, तो मैंने कहा चलो धनतेरस पे ही शॉपिंग कर लेंगे। और गाइस, जो धनतेरस की शॉपिंग होती है वो भी करनी, सुनार के यहाँ भी जाना है और झाड़ू वगैरह भी खरीदनी है। जैसे कि आप सबको पता है, आज धनतेरस पे झाड़ू खरीदी जाती है। तो गाइस, आप लोगों ने शॉपिंग की कि नहीं की अभी तक, जरूर कमेंट करके बताइएगा गाइस। तो गाइस, यहाँ पे बन रहा है मेरा नाश्ता। इस समय बच्चे सो रहे हैं और ये डाइनिंग टेबल पे बैठ गए थे नाश्ते के लिए, से फटाफट मैं पराठे सेक रही हूँ और सब्जी मेरी बन चुकी है। ये देखिए गाइस, ये मैंने बनाई है साबूदाने की खीर। तो आइए, किसको किसको पसंद है साबूदाने की खीर बताइए, किसको पसंद है वो मेरे घर आए तो मैं उसको बना के खिलाऊंगी। हेलो गाइस, देखिए मैं इनसे इतनी देर से कह रही हूँ कि जाके कपड़े उठा लाओ, लेकिन ये सुनते नहीं है। मैं सुबह फैला आई थी, अब भाई इनका काम है ना ये उठा के लाए और बोतलें भरे, लेकिन ये काम नहीं सुनते हैं। बताइए, मैं काम नहीं करता हूँ क्या? नहीं करते हो, कोई ये थोड़ी कह रहा कि करते नहीं हो, करते हो लेकिन कुछ कुछ करते हो है? नहीं तो मैं सारे काम करता हूँ। बता, अभी बता दूँ तो? बताओ। मैं बोतलें भरता हूँ और बोतलें भरता हूँ, धुपत्ती करता हूँ, कभी 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 जब मुझे नहीं करनी होती, पौधों में पानी डालता हूँ, कभी 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 नहीं, अक्सर डालता हूँ। और कभी कभी मैं और क्या करता हूँ, बस अब भूल गए, और अब भूल गए। हेलो गाइस, तो अभी बज रहा घड़ी में 2:30 और मैंने बनाई थी जस्ट खीर। मैं क्यों अच्छी बनी हूँ। क्या है? देखो वीडियो बन रहा है, बताती नहीं एकदम। वीडियो बना रहे ये देखिए, खीर बनाई थी, मैं खीर खाने जा रही हूं। तो गाइस, यहाँ पे बिट्टू बैठी हुई है, डेक चला रही है। अब देखिए मेरा बजर बज गया, अब मैं जा रही हूँ अपनी मशीन देखने के लिए। इस समय ये आए हुए थे किसी काम से, फिर चले गए। तो गाइस, आप लोग मम्मी के व्लॉग को लाइक नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं। मतलब ऐसा होता है कि 100 व्यूज आ जाते हैं और खाली 5-6 लाइक होते हैं। तो हमारा कहना है कि आप जितने व्यूज आ रहे हैं उतने लाइक्स तो होने ही चाहिए और एक कमेंट तो होना ही चाहिए। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरे कहने पे, क्योंकि आज मैं इस व्लॉग में आके आप सबसे बोल रही हूँ। तो मेरे कहने पे एक लाइक एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पे हस्बैंड मेरे लेके आए थे सिंघाड़े और मैंने आपसे कहा था ना आएंगे तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। हस्बैंड मेरे आ गए हैं और यहाँ पे सिंघाड़े खाए जा रहे हैं। तो कब तक चलोगे शॉपिंग के लिए? अभी अभी तो मैंने मशीन लगा रखी है। खाना वाना खा ले, कपड़े धो ले। हाँ चलो ठीक है, तो फिर वही दोपहर तक चलते हैं। हाँ नहीं नहीं बाइक से ही चलेंगे। गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ समय चटनी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाइस देखिए, इसमें हरी मिर्च है, खूब सारा लहसुन है और टमाटर है, हरी धनिया है और मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। तो अब हम लोग मम्मी को दिखाएंगे, रुको पहले आंखें बंद कर देते, यहाँ की लाइट हम बंद कर देते, फिर हम मम्मी के रिएक्शन देखेंगे। तब तक आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ। थ्री टू बताइएगा कि हमारा मंदिर कैसा लग रहा है। तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ। गाइस, अभी मैं बाजार शॉपिंग के लिए चल रही हूँ, तो चलो
चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या आज हम शॉपिंग करेंगे। तो गाइस अभी मैं पैदल जा रही हूँ क्योंकि बच्चे बाइक से आगे चले गए और बाइक में हम चार बैठ ना पाते, बैठते तो एक आधा तो पक्का लुढ़क जाता। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी आ रहे हैं मुझको लेने के लिए, ये वहाँ उनको उतार देंगे तब मुझे लेके जाएंगे। तो और गाइस बताइए कैसे क्या चल रहा है। अब पैदल पैदल मैं जा रही हूँ, ये देखिए हस्बैंड मेरे आ रहे हैं, इनके साथ बैठ के मैं जाऊँगी। रोको रोको भैया, मुझे भी बिठा लो जरा अपनी बाइक में, जरा वहाँ तक छोड़ देना सिंगार नगर तक। ना भैया तुम्हारी बाइक हमें अच्छी लग रही है, हम तुम्हारी बाइक में बैठेंगे। तो गाइस अभी हम यहाँ पे शॉप पे आए हुए हैं बिट्टू रक्षक के लिए कपड़े लेने हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको कौन से पसंद आ रहे हैं। आओ, हम लोग ज़्यादा जल्दी आ गए थे, तुम लोग तो जाम में फंस गए थे। और बिट्टू वेस्टर्न ड्रेस लोग या इंडियन? तो गाइस अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, अभी वो ड्रेसें लेने गया है, इतने कपड़े दे रखिए। ये पिंक वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, और पिंक वाला नहीं अच्छा लग रहा है? नहीं वो नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ ये थोड़ा देहाती सा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर मालाएं हैं, और धनतेरस से तो काफी दुकानें सजी हुई हैं। पीली वाली तो माला देखिए सब बहुत बड़ी होगी ना? हाँ छोटी छोटी। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं शॉपिंग के लिए और देख रहे हैं क्या क्या इतना रश है, इतनी भीड़ है कहने को नहीं। तो गाइस हम आए यहाँ पे साड़ी लेने के लिए, हम देख सकते हैं की साड़ी की दुकान है। पारस मुनि कौन सी दुकान में? ये दुकान नाम ही नहीं पता। पारस मणि। तो गाइस हम यहाँ पारस मणि दुकान पे आए हुए हैं, और ये गाय बहुत आएंगे, इसके अलावा आपको भी कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। कौन सी साड़ी ले रही हो दिखाओ, मतलब जो पसंद आ रही हो दिखा दी। तो गाइस जैसे कि आज हम शॉपिंग पे आए हुए हैं, और देखो यहाँ पे चल रही है टिक्की, तो आप लोग भी खाइए। हेलो गाइस, तो जैसे कि मैं अपनी फ्रेंड के आई हुई हूँ इस समय, तो अभी मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ, रुकी है। तो ये देखिए, ये सुनारिन साहिबा बैठी हुई है, और ये इनकी दुकान है। देखिए गाइस कितनी अच्छी सजी हुई है, आप लोग भी बताइएगा, है ना? देखिए ये है सुनार साहब, ये है सुनारिन। हाँ, और ये बहुत मेरी पक्की वाली फ्रेंड है, मैंने पहले के ब्लॉग में आपसे बताया था। और इनका इतना अच्छा अच्छा सामान है, ये देखिए इस समय ये डॉलर आए हुए हैं, इधर ये खूब मूर्तियां हैं, जितना भी सोने का सामान है वो तो खैर इन्होंने भी छुपा छुपा के रखा हुआ है, फिलहाल अभी चांदी लगी हुई है। लेकिन जितने भी आलमबाग के लोग हैं, इस मोहल्ले के हैं, जो जो ये मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे पता है कौन कौन मेरा ब्लॉग देखता है, तो सभी लोग यहाँ पे आए और शॉपिंग करें। चलिए ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर आप दे दीजिएगा। हम लोग तुम्हारे बिल्कुल परमानेंट कस्टमर हैं। अच्छा अच्छा दो बढ़िया वाली पर्स, और आलमबाग में जितने लोग रहते हैं सब लोग यहाँ पे आए और शॉपिंग करें। इसी से छोटे छोटे। हैप्पी दिवाली भोले बाबा। हैप्पी धनतेरस। तो गाइस जैसे कि आपने देखा आज हमने कहाँ कहाँ शॉपिंग की और हमने क्या क्या किया,
तो गाइज मैंने आपसे सारा कुछ शेयर किया। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो कीप वॉचिंग। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आपसे फिर मुलाकात होती है जल्दी। ओके बाय।